नमस्कार बुलेटिन को स्वागत करुचे। आदिवासी जीवन दस टंकिया मास्क ठारु बी कम। मालकानगिरी पुलिस कैंटीन में कार्यरत महिला दुष्कर्म और मृत्यु घटना रे एभली ढंग से सरकार को टार्गेट करिछि कांग्रेस। घटना को मासे पूरी थिले भी अभियुक्त को धरिनी पुलिस, तेणु न्याय न मिलिले विधानसभा घेराउ हेबो बोली चेतावनी देछि दल। सेपटे घटनारे मुख्यमंत्री हस्तक्षेप लोड़ी बीजेपी आउ बीजेडी रो कहिबा हेला घटनार तदंत चली पोस्टमार्टम रिपोर्ट ठिकणा समय रे आसिबो। मासे बीतीगला गिरफ हेलेनी अभियुक्त कुआडे गला पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मालकानगिरी पुलिस कैंटीन रे कार्यरत महिला को हत्या कला किए कहीं आदिवासी को हीन दृष्टि देखुचंति सरकार। आदिवासी जीवन दस टकिया मास्क ठारू भी कम एभली शाणित ढंग से राज्य सरकार को टार्गेट करिछि कांग्रेस। पीड़िता महिला स्वामी को सांबादिक सम्मेलन में बसाई स्वास्थ्य विभाग पारिवा पणिया उपरे प्रश्न उठाई कांग्रेस कार्यकारी सभापति प्रदीप माझी। मिछ टीप चिन्ह छाती में लुहार और दागर फटो देखाई सरकार को घेरी कांग्रेस। यासह पीड़िता परिवार को 20 लाख टंका दिया दल कही न्याय न मिलले विधानसभा घेराव करने चेतावनी भी दिया जाई। गोटे 10 टंकार मास्क ठारु मध्य आम आदिवासी गरीब महिला इज्जत एवं जीवन सस्ता हो जाए। आप देखुए जो कोरोना समय रे मास्क न पिंधिले पुलिस गड़े गड़े बड़ा फाइन पकाउछि। गोटे आदिवासी महिला को गुणबलात्कार करागला एवं परवर्ती समय रे तार मृत्यु हो गला कौन सी प्रकार कार्यानुष्ठान वर्तमान सुधा ग्रहण करा जाए। आम पुलिस कैंटीन तरफ आम पुलिस वाला तरफ सब कुछ देव तते केस बास करना नजर भितर पार्टी कुटेबो नै हला बोलिकिना पुलिस कैंटीन मालिक कोइ मते। सेपटे बीजेपी कहिछि कुंदुली पीड़िता घटना बली ए घटना भी लागुछि सरकार महिला को सुरक्षा देवार नैतिक दायित्व तुलातु। घटना को चपाइबा को जो प्रयास चली राज्यर गृहमंत्री हिसाब से मुख्यमंत्री जवाब देवा आवश्यक बोली कहिछंती बीजेपी साधारण संपादक पृथ्वीराज चंदन। हेले सरकारी दल मुख्य सचेतक प्रमीला मल्लिक कहवा कथा पुलिस घटनार तदंत करुछि। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नियम अनुसार जिते दिन आसवा कथा आसब मसाधिक काल हो गले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसीपारी ना ये भाया एक दुर्भाग्यजनक स्थिति अंत जमी न हो सर्वोच्च स्तर में मुख्यमंत्री स्तर से कथा को निर्देश दिंतु से कथार तुरंत तार रास्ता को आसु से ट्रैक को आसु से इन्वेस्टिगेशन आसो पुलिस इनक्वारी कर पुलिस तो चलिए इनक्वारी चलते पोस्टमार्टम रिपोर्ट तार आसो नियम अनुसार जितने दिन पर आसवा कथा आस पिपिलीर बेबिना ठू आरंभ कर कुंदुली पीड़िता को नहीं दिने हुलस्तूल होता राजनीति एवं पुणि थे से भि एक प्रसंग को नहीं सरकार को घेरी विरोधी। भुवनेश्वर अजेश मल्लिक, महेश नंद और सुमंत सुंदराय न्यूज 18 ओडिया। रथ यात्रा को सिग्नल प्रस्तुति पथरे पादे आगक बढ़ी राज्य सरकार सेवायत को मनवाई दैतापति निजोग और श्रीमंदिर परिचालना कमिटर सेवायत सदस्यों सह आलोचना करिछंती श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक। निष्पत्ति होईछि रथयात्रा पई 5000 सेवायतंकु प्रदान कराचिबो स्वतंत्र मास्क किंतु पहंटी बेले सेवायत माने मुहरे बांधिबे आसामी कामुछा। रथयात्रा आयोजन नै एबे राज्य सरकारंक कोर्टरे बल केन्द्र सरकारंक परे हाईकोर्ट मध्य राज्य सरकारंक उपरे छाडी दैछंती निष्पत्ति। एबे राज्य सरकार आरंभ करि दैछंती प्रस्तुति पर्व सेवायतंकु मनाइबारे लागि पड़िछि श्रीमंदिर प्रशासन। दुई दफारे श्रीमंदिर परिचालना कमिटीर सेवायत सदस्य एवं दैतापति निजोग सभापति और संपादकंक सह आलोचना करिछंती श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक। रथयात्रा पई 5000 सेवायतंकु प्रदान कराजिबो स्वतंत्र डिजाइनर मास्क। श्रीजीवंक नीतिकांति बेले स्वतंत्र मास्क पिंधिबे सेवायत किंतु पहंडी विजय बेले पिंधिबे आसामी गामुछा। रथयात्रा नीतिकांति चूड़ांत करिबा पई श्रीमंदिर कमांडर सह मध्य आलोचना करिछि प्रशासन। आपणक नीति सरिया परे जो सेवायत मैंने से अंचल रहिबे से जगह उपस्थित रहिबे सेमाने पई मास्क व्यवस्था करागला एवं से मास्क केवल सेवायत नुहंती मंदिर प्रशासन कर्मचारी अन्यान्य जिला पदाधिकारी मध्य से मास्क व्यवहार करिबे। निश्चित भावरे समस्ते भक्त प्रभु सरकार समस्ते चाहूँगी रथयात्रा होते जहाँ गाइडलाइन आणव से अनुसार आपण मानक जन दिजाव आम तो परिचालना कमिटी देखिए बिना भक्त रथयात्रा प्रभुं बैनिक सांगे मिसिकी नहीं तो आम कि अलग मध्यम
समस्त को मास्क आम तैयारी मंदिर प्रशासन तरफ रू निष्पत्ति नहींचु और से मास्क समस्त को सप्लाई करा जीव, समस्त को मंदिर प्रशासन तरफ दिया जीव। स्नान यात्रा परे ए पर्यंत मुख्यमंत्री कि आईन मंत्री कहीं भी रथयात्रा प्रस्तुतिर समीक्षा करी जहाँ को नहीं संदेह प्रकाश करिछंती विरोधी। कोविड कटकणा भितर रथयात्रा हो पार कि नहीं सरकार ताहा स्पष्ट करंतु बोली दुई विरोधी बीजेपी और कांग्रेस दाबी करिछंती। बीजेडी कहिछि राज्य सरकार कोरोना स्थिति देखि रथयात्रा निष्पत्ति नेबे। ए दिगरे गजपति और शंकराचार्यंकर परामर्श नियाजिबो। हाईकोर्ट कहि सारलेनि जे रथयात्रार निष्पत्ति राज्य सरकार नियंतु, तेणुकर राज्य सरकारों पाखे मुझे भावुँ कौन सी बाइंडिंग ना हो राज्य सरकार से बाबदे कौन निष्पत्ति नौकरी मुझे भावुँ थे राज्यवासी को जनइले ए बाबदे निश्चित भाव ठीक हे। देखु राज्य सरकार या उपरे स्पष्ट करवा उचित जे रथयात्रा हम कि ना केमी हम सरकार बोधे गोटे द्वंद्वें पड़ते ये कौ निष्पत्ति ने किभली भाव निष्पत्ति ने राज्य सरकार से स्थिति आमर जहाँ आवश्यकता ता भर निष्पत्ति करें जहाँ करवासी को सहायक प्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद को लेकर कम करूँ। गजपति हो चेयरमैन सी तो अच्छा शंकराचार्य मत निहाई समस्त धर्मगुरु केवल राज्य सरकार सरकार निष्पत्ति करना परामर्श कर रथयात्रा आशा आशंका भितर किंतु आगे चली रथ कम समस्त कम पहुंची सारा चूड़ा पर्यायर रथयात्रा आयोजन नहले समस्त विश्वकर्मा महाराणा श्रम व्यर्थ जीव बोली कहिछंति। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। पुरी बारिपदा परे नीलगिरी रथयात्रा बेस प्रसिद्ध राज्यर तृतीय श्रीक्षेत्र भाबे एहाकु अभिहित करा जाय। एठारे रथयात्रा 500 वर्षरु अधिक पुरुणा किंतु कोविड कटकणा पाई एथर नीलगिरी रे रथयात्रा हेबो कि नाही ताकु नै संदेह। चालिछि रथ काम दिन राति एकरी रथ तयारी रे लागिछति महाराणा सेवक किंतु रथयात्रा आयोजन हेबो कि नाही ताकु नै सस्पेंस। बालेश्वर जिला नीलगिरी जगन्नाथ मंदिर रे एभली स्थिति। 1750 मसीहारी प्रतिष्ठा होइथिला एही सुदृश्य जगन्नाथ मंदिर सेबेठारु आरंभ होइथिला रथयात्रा किंतु कोरोना कटकणा जोगु एथर रथयात्रा आयोजन नै लागि रहिछि अनिश्चितता। चक रेडी करी आम बर्तन छात लेवल बर्तन कम कलु आउ बाकी चूली कम अच्छे छातर अन्न्य पटापिटी अन्न्य कम अच्छे आम रात दिन लगे आम 20-21 तारीख सुधा कम सारीदेम बोली चेष्टा जारी। नीलगिरी रथयात्रा सोशियाल मेन्टेन्स करी जो कोरोना को आगर भय अच्छे से सोशियाल मेन्टेन्स रखी गाइडलाइन अनुसार जदि हो पार भल हाँ भक्त मैंने टीवी भी देखिपर टीवी माध्यम भी देखिपर। रथ निर्माण कम को देखिले रथयात्रा आयोजन नहीं आशा संचार होउछे। नेत्र उत्सव पूर्वरु रथ कार्य सरीजीव बोली महाराणा माने कहुचंते। नीलगिरी रथयात्रार परंपरा श्रीक्षेत्र ठारु टिके नियारा। रथयात्रा दिन केवल ठाकुर मानंकर पहंडी हुए ता परदिन हुए रथ टणा। जदि रथयात्रा हुए तेबे भक्त सामिल हेबे ना पुलिस और प्रशासन रथ टाणी नेबे ताहा एचआई होइनि स्थिर। सरकार को निर्देश को अपेक्षा करिछंती नीलगिरी उपजिलापाल। ठाकुर नीति जहाँ हवा कथा मंदिर भितर हम तापर कि असुविधा नहीं किंतु बाहर जो जात्राटा जो हवा कथा नीलगिरी से ही समय परिस्थिति देख सारापर ओडार से परिस्थिति देख सारापर जहाँ ओडा सरकार डिसाइड करेंगे आमर कि असुविधा नहीं। गोटे सप्ताह पूर्व आम रथ तैयारी कम्प्लीट हो कि आम अपेक्षा कर सरकार निर्देश जहाँ आसो से अनुसार आम रथ टणा हो कि नहीं अनुसार आम डिसीजन ना दिन कईटा पर रथयात्रा भगवान आसिबे बड़दाण्ड को दर्शन देबे भक्त को एवं जिबे माउसी घर को से प्रस्तुति चली जोरसोर रथ निर्माण नियुक्ति होती महाराणा तीन लाती लागि पड़ते रथ निर्माण कामरे हेले ए वर्ष चलित थर रथयात्रा हबो कि नाही ताहार शेष निष्पत्ति नेबो प्रशासन। बालेश्वर कैमरामैन गौतम माइती सहित सतीश सेनापति न्यूज 18 ओडिया। वर्तमान बुलेटिन समय होइछे एक ब्रेक रा। We'll be right back.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. स्वागत फसाई देले रेंजर फसीगले डीएफओ एवं डेपुटी रेंजर लांच नेबा अभियोग विजिलेंस हाथ में धरा पड़ी बलांगीर जिला पटनागड़ केन्दुपत्र डिविजन डीएफओ प्रणव कुमार महांती और अटक अच्छा डेपुटी रेंजर चित्तरंजन देहुरी बुधवार डीएफओ प्रणव कुमार महांती निज कार्यालय रेंजर जगन्नाथ दास एक लक्ष 66,000 टंका लांच ने बेले गिरफ्त करिछि विजिलेंस अभियोग अनुजाई डीएफओ प्रणव केन्दुपत्र फड़ी गृह मरामति बाबद को आसी 10,37,000 टंकार 16% अर्थात 1,66,000 टंका रेंजर जगन्नाथ को मागी थे लांच कारबारे मिडिलमैन साजिश डेपुटी रेंजर चित्तरंजन तेरे डीएफओ को फसाइबापी लांच कारबार संपर्क में आगुआ भिजिलेंस को खबर देते डीएफओ बुधवार रेंजर जगन्नाथों ठू डेपुटी डीएफओ चित्तरंजन टंका ग्रहण करने बेले चढ़ाव करता भिजिलेंस टीम गिरफ होगा लांच कारबार अभियोग को अस्वीकार करते डीएफओ डीएफओ प्रणव को पटनागड़ सरकारी बासभवन सह भुवनेश्वर या अपार्टमेंट उपड करसह डेपुटी रेंजर चित्तरंजन सरकारी बासभवन और फुलवाणी खजुरीपड़ा घरे भी हो चढ़ाऊ से फड़ी रूपये 10,37,000 मत 16% दिव लाच डीएफओ सारे डीएफ प्रणव कुमार महांती मुँ कहली मो पारे एत पैसा हो पारे आप कम करूँ ना हो पारे ना तुम 66,000 टाइम दि मुझ धार उधार खर्च कर नी आदि 66,000 नदब तुम ना प्रोसीडिंग कर तुम शासन करदेवी आ तुम ड्रेस ओल्ल देवी मो एगेस्ट यहाँ गोटे कन्स्पिरेसी कराई जोटा कि तार शिकार बर्तमान कहीं विरुद्ध कारण से जानते हैं कि कहते डेप्युटी रेंजर जरिए 66,000 टाइम 16% लाच ना मिछ कथा कौटा मिछ से फड़ी रूपये 10,37,000 राज्य में पुणि थे आरंभ हो डीएल और एलएल टेस्ट कोरोना भाइरस पर बंद थी ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट मे 18 होगाक 29 तारीख एलएल टेस्ट होने परिवहन कमिशनर संजीव पंडा सूचना देते
तेरे सामाजिक दूरत्व रक्षा करी तथा कोविड 19 गाइडलाइन को अनुसरण कराचै टेस्ट हेबो बोली कहिसेंती परिवहन कमिश्नर डीएल टेस्ट पई गुरुवार सकाळ 7टा रु स्लॉट बुकिंग हेबो सेही बळी लर्निंग लाइसेंस स्लॉट बुकिंग पई 22 तारीख ठारु आरंभ हेबो डीएल टेस्ट 18 रु ओ एलएल टेस्ट 38 रु आरंभ करा जेबाकु निष्पत्ति होईछि टेस्टिंग समय रे कोरोना कटकणा सह सामाजिक दूरत्व पालन को गुरुत्व दिया जिवो सेही परे आवेदन समय रे समस्त आवेदनकारी ओ कर्मचारी मास्क पिंधिबा बाध्यतामूलक करा जाइछि अनलॉक बेले संध्या 7टा रु भोर 5टा पर्यंत घरु पदाकु न बाहरिबाकु जारी होईछि कडा नियम हेले नियम को मानुछि कि राजधानी रे एभळी किछि अमानियंकु धरिबाकु पुलिस लगाइतिला नाकाबंदी संध्या 7टा कोण लोके राति 8टा पर्यंत रास्तारे जाउथिबा देखिबाकु मिलिथिला विभिन्न चकरे पुलिस नाका लगाई अमानियंक ठारु आदाय करिछि फाइन कोरोना संक्रमण को दृष्टि रखि राज्य रे अनलॉक 1 चलिछि आउ अनलॉक 1 रो नियम होइछि संध्या 7टा परे केही मध्ये घरु बाहरिबे नाही केवल मेडिकल इमर्जेंसी पड़िले घरु बाहरिबे किंतु आपण देखिबे 7टा परे वर्तमान समय जहाँ रही बर्तमान मुझे कैमेरा पर्सन कह बर्तमान देखो समय बर्तमान 8टा बाजी 11 मिनिट बाजला 8टा बाजी 11 मिनिट बाजला तथापि देखु लोक मैंने अनायास रास्ता उपरे बुलुचंती अनेक लोक देखु बर्तमान ये चेकिंग चली बर्तमान भुवनेश्वर बाणीभिया छक घरे न रही से बाहर बुलाबूली कर जो देखते बर्तमान फाइन चली पचार बुझा आज्ञा बर्तमान जो फाइन चली केमिति फाइन चलछि आ कोन पै फाइन चलछि जो माने 7टा परे लॉकडाउन को वायोलेट करकि जिबासिया करछन्थि से मानुठ फाइन कटा होछि आबाते जो माने विदाउट मास्क रे जिबासिया करछन्थि से मानुठ मध्ये फाइन कटा होछि ओके आ केते लोक सारे धरा पले एमिति के काहे के एमिति होछि बारंबार हम देखु छु अनेक लोक को कह जाउछि अनलॉक समय रे घरे रहिबे 7टा परे किंतु अनेक लोक वायोलेट करछन्थि କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଅମାନିଆ ଲୋକ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଆୱାର କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାକୁ ଜାରି ରଖାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନଙ୍କଠୁ ଫାଇନ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରାହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଆୱାର କରାହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝା ହେଉଛି 7ଟା ପରେ ଆପଣ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ହୋଇଛି 144 ଜାରି ହୋଇଛି ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆୱାର କରାହେଉଛି ବୁଝା ହେଉଛି ତା ବାଦ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଭାୟୋଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠୁ ଫାଇନ୍ କଟାହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଣୀବିହା ଛକରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଆମ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଚେତନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବିଭିନ୍ନ ବାହାନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କିଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କହୁଛି କିଏ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଉଛି ବାହାନ କରି ବାହାରେ ବୁଲୁଛି କିଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କରିକି ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଛି କି ଅନଲକ୍ ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପରେ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଅନେକ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ନିୟମକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଚେତନ ସ୍ୱାଇଁ ସହ ପ୍ରବୀର କୁହା ପ୍ରଧାନ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ କରୋନା ମହାମାରୀ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଜୁନ୍ ଶେଷ କିମ୍ବା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ବିପିୟୁଟି ଅଷ୍ଟମ ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରିଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ବିପିୟୁଟି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ସଂଘ କହିଛି ଜୁନ୍ ଓ ଜୁଲାଇ ମାସରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ହେବ ସବୁ ଜାଣିବି କେମିତି ଏବଂ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଜୁନ୍ ଶେଷରେ ବିପିୟୁଟି ଅଷ୍ଟମ ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ବୁଧବାର ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ମାନବ ଶୃଙ୍ଖଳ କରି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ସଂଘ ସଂଘ କହିଛି ଜୁନ୍ ଶେଷରେ ପରୀକ୍ଷା ନକରି ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜୁନ୍ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ମାସ ଯେଉଁ COVID-19 ରହିଛି ତା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଏଭଳି ସମୟରେ ବିପିୟୁଟି ନିଜର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟମ ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି ତାହା ଜୁନ୍ର ଶେଷ ସପ୍ତାହ କିମ୍ବା ଜୁଲାଇର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ କରିବା ପାଇଁ ଯାହାକୁ କି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ବିପିୟୁଟି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା ଏବଂ ଘୋର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 24 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯୁକ୍ତ 3 ଶେଷ ବର୍ଷର 6 ନମ୍ବର ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା ବନ୍ଦ କରିବା ଦାବି ନେଇ ଗର୍ଜିଲା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 6 ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୟୁନିୟନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଛାତ୍ରମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ କଲେଜ କୋର୍ସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଘର ଭଡ଼ା ମିଳୁନି ଏଭଳି ସମୟରେ ସରକାର ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଯଦି କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ କରୋନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ସରକାର ନ ଶୁଣିଲେ ଛାତ୍ରମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ନେତା
सिक्स सेमिस्टर रो 24 तारीख तक जन एग्जाम अच्छे से मैंने स्टूडेंट मानक बहुत प्रोब्लेम हो सरकार स्टूडेंट मान प्रोब्लेम ना बुझीकोरी निष्पत्ति नहीं जोन बाध्यतामूलक भावे मरवार लगे आगे ठेली दौन ये पैंडेमिक टाइम से विषय में आम यहाँ इनु सब जमा होकर आज कलेक्टर को मेमोरेंडम देछु प्लस थ्री जब फाइनाल इयर एग्जाम हो बेले तो लोकल पिला बरगड़ सभी नाइन बोले बाहर भी आसबे और से माने आसले बोले कोरोना फैली पारे और जदि कोरोना फैलू जे बोले सब से जिम्मेदारी बोले से दायी हे सरकार बोले आम सरकार के यहाँ चेतावनी दूचु वार्निंग भी दूचु जदि यहाँ कैनसल ना करागले आगे आम आंदोलन के उतरबू अनशन बसमु कोरोना जोगो सुरत सूताकल संकट श्रमिक नहांती चली पारुनी मिल कोरोना संक्रमण भयरे सूरत सूताकल छाड़ी निज भिटामाटी गंजाम जिला को चली आसी हजार हजार ओडिया श्रमिक एवं से सूरत फेराई ने आरंभ हो प्रयास सूरत प्रवासी ओडिया समाज ट्रस्टर सदस्य मैंने गंजाम जिलार विभिन्न गाँ गाँ बुली श्रमिक मानक सूरत फेरीजापी प्रवर्त बुधवार गंजाम जिला बेगुनियापड़ा और खरीकोट ब्लक में पहुंची सूरत फेरता श्रमिकों बुझासुझा कर ट्रस्टर कर्मकर्ता कहते उभय ओडिशा एवं गुजरात सरकार प्रवासी ओडिया श्रमिकों पर समस्त बंदोबस्त करते सूरत में सब प्रकार साहयोग जगै दीजिए एवं श्रमिक मैंने सूरत फेरी चलतु किंतु सूरत फेरता श्रमिक मैंने लॉकडाउन बेले मिल बंद होगापर कंपानी मालिक मैंने साहयोग कर बाध्य गांव को फेरी आसी ईपीएफ ईएसआई सह चाकरी सुरक्षा जगै दे पुणी सूरत फेरी आम जेहेतु ओडिया आम ओडिशा सरकार के पाखे आम दाबी आम रखा तमें चाहूँ कि जो प्रवासी भाई मैंने आंजीकरण करी छड़ा जाऊ आउ अति शीघ्र सूरत रे गोटे नूडल अफिसर रखा जाऊ जो 7 लाख गंजाम रो ओडिया भाई मैंने जो अच्छा से मानक भलमंद मैंने मैंने ये करने बुझापी आम ओडिशा गवर्नमेंट को एतिक रिक्वेस्ट करुचु जे से निश्चय आमको कौन से रोजगार दिंतु जदि बा न दे पारती तेज आम बर्तमान बाहर स्टेट कम करने गले जोभली पीए पीएससी एवं बोनस भाई विभिन्न प्रकार सुविधा और मेडिकल एभली सुविधा जो अच्छी से भाई सुविधा जदि आमको जोगाई दि जाए आम निश्चय जीव कम करूँ आमर सर्विस नाई जो हकुरा नाई कि बोनस ना कि ना 12 घंटा आज रात बेल दिन बेल डेली खटुचु जदि सब सुविधा मिल बे जीव ना आम जीवार ना आज सुवर्णपुर जिला वीरमहाराजपुर थाना अंतर्गत घमंडियापल्ली गाँव में हत्याकांड सामान्य कथा को नहीं पुतरा हत्या करज काका को माछ मरा को नहीं कका पुतुरा भितर बचसा होता बेले पुतुरार इटा माड़े कका गुरुतर हो पड़ते गुरुतर अवस्था कका पवन सेठी को डाक्तरखाना को नाबे बाटे मृत्यु घटी तेरे पुतुरा हिमांशु सेठी घटनास्थल फेरार हो जाता बेले घटनास्थल में वीरमहाराजपुर पुलिस पहुंची अनुसंधान जारी रखी राज्यरे भिजिब राज्य मौसुमी बर्षार तीनि बर्षार ओडिशा बंगोपसगर में सृष्ट लघुचाप आसंता 48 घंटे ओइलमार्क लो प्रेसर में परिणत हो मौसुमी गतिपथ को त्वरान्वित कर दुई तीन दिन भितर मौसुमी ओडिशा छुईब बोली पूर्वानुमान करिछि पानीपाग विभाग मौसुमी को अपेक्षा ओडिशा पाई आउ 48 घंटार डेडलाइन बुधवार 6 राज्य को छुईछि दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु तमिलनाडु मिजोराम मणिपुर त्रिपुरारे प्रवेश करिछि मौसुमी एथिसह आसाम और नागालैंड रो किछि अंचले भी प्रवेश करिछि आगामी 48 घंटे 5 राज्य एवं परवर्ती 24 घंटे ओडिशा एवं पश्चिमबंग रो किछि अंचले मौसुमी प्रवेश करिवे बोली अनुमान करिछि पानीपाग विभाग भुवनेश्वर आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र निर्देशक कहिछन्ति मौसुमी आसिबारे सहायक हेबो बंगोपसागर रे सृष्ट लघुचाप आगामी 48 घंटे यह ओइलमार्क लो प्रेसर में परिणत हो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का मिजोरम मणिपुर मोस्ट पार्ट्स कवर किया है त्रिपुरा एंड नागालैंड का कुछ पार्ट्स कवर किया है उड़ीसा के लिए जो है अगला 2-3 दिन में उड़ीसा में हमारा मानसून एडवांस होने का चांसेस है तपटे मौसमी प्रभाव में वर्षार संभावना रही मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा पर जारी होई येलो वार्निंग गंजाम गजपति पुरी कंधमाल कलाहांडी जिले में भी होई पारे प्रबल वर्षा
11 ତାରିଖରେ ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ବି ହେ ହେଭି ଟୁ ଭେରି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା ଏ ତିନି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ହେ ଅଗଲା 24 ଘଣ୍ଟା ମେ ଆର୍ ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମ ପୁରୀ କନ୍ଧମାଳ କଳାହାଣ୍ଡି ଏସବ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ଏକ ଦୋ ଜାଗା ମେ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ହେ 11 ତାରିଖ କା ରେନ୍ଫଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ହେ। आगामी 24 घंटे दक्षिण ओडिशा रे वर्षार परिमाण अधिक रहीपे आकूल जिलागुड़िकलबैशाखी संभावना रही। गत 24 घंटे देवगाँव में सर्वाधिक 78 मिलीमिटर और बालीगुड़ा में 60 मिलीमिटर वर्षा रेकर्ड हो। भुवनेश्वर कैमेरामैन प्रफुल्ल शीलों शुभलक्ष्मी बल न्यूज 18 ओडिया। समय सारी बुलेटिन को एटी रखिबा। नमस्कार।